હવે નજર કરીએ હવામાન વિભાગની આગાહી ઉપર તો રાજ્યવાસીઓને આકરી ગરમીથી આંશિક રાહત મળવા જઈ રહી છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે રાજ્યમાં આવતીકાલથી રાજ્યમાં આંશિક ગરમી ઘટવાની સંભાવનાઓ છે. આગામી 5 દિવસ સુધી વાતાવરણ સૂકું રહી શકે છે તો આગામી 24 કલાક બાદ મહત્તમ તાપમાન 2-4 ડિગ્રી સુધી ઘટી શકે છે. આ ઉપરાંત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે તેમજ પવન ફૂંકાવાથી સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે ગરમીમાં રાહત મળી શકે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે હવામાન વિભાગે આગામી 4 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના પણ આપી છે. अगले 5 दिन में पूरे गुजरात में बारिश होने का ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटी कभी भी हो सकता है. मॉइस्चर आ रहा है, वेस्टर्ली विंड है. भी जो टेम्परेचर देखा जाए तो अगले 24 आवर्स के लिए टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन 24 आवर्स का बाद पूरे गुजरात में टेम्परेचर डाउन होने का संभावना है, यानी टेम्परेचर कम होने का संभावना है. 2-4 डिग्री सेल्सियस सारे डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर कम हो जाएंगे. कल से पूरे गुजरात में जो विंड स्पीड, हवा का जो तेज़ हवा का जो स्पीड, वो थोड़ा तेज़ रहेगा, यानी 30-40 किलोमीटर पर आवर होने का संभावना है. स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड रहेगा पूरे गुजरात में. 23-25 तारीख में दोनों गुजरात कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट अरबियन सी में फिशरमैन के लिए वार्निंग दिया गया है. स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड होने का संभावना है, इसलिए फिशरमैन को वार्निंग दिया गया है अगले कल से.